देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, देखो क्या है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की पावर x। देखो ध्यान दो, अगर x को इन्फिनिटी लेंगे, देखो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। अगर हम x को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, देखो क्या होगा, अगर हम x को इन्फिनिटी पर ले गए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, देखो क्या होगा, x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो 1 माइनस 2yx प्लस 1 बाई x स्क्वायर, 1 माइनस 4yx प्लस 2 बाई x स्क्वायर। देखो ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर क्या आ गया बोलो, 1 आ गया। तो देखो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे, देखो इसको हटाने का तरीका क्या होगा, 1 प्लस कर दो और 1 को माइनस कर दो, है ना, 1 को प्लस कर दो और 1 को माइनस कर दो, ध्यान दो, है ना, पूरे की पावर x हो गई। ठीक, अब देखो ये बन गया 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, तो क्या आएगा, देखो e की पावर में जाएंगे और लिमिट लगाएंगे और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, e की पावर में जाएंगे, लिमिट को लगाएंगे और इन दोनों को कर देंगे यहां पर मल्टीप्लाई, ध्यान दो, है ना, क्योंकि 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, देखो यहां पर 1 नहीं है, ध्यान दो। ठीक, अब थोड़ा देखो इसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एलसीएम ले लो तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इंटू एक्स। देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये हो गया 2x, है ना, देखो ये हो गया 2x और माइनस 1 और इनटू x होल डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक, अब देखो काम किया जाए, e की पावर में देखो x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए ऊपर नीचे, है ना, देखो x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 माइनस 1 बाई एक्स और नीचे देखो 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, देखो एक्स से कट जाएगा, ये होगा 2 माइनस 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखो एक्स को इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो फाइनली e की पावर 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, है ना, क्योंकि देखो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये x कटेगा, है ना, तो x को अंदर ले जाएंगे, जैसे मान लो ये है ना 2x minus 1 into x और x स्क्वायर से किया डिवाइड, ऊपर से हमने किया तो एक x से कट जाएगा तो ऐसे बचेगा, उसको अलग अलग करेंगे तो 2 minus 1 by x बन जाएगा, ध्यान दो, x स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये हो गया 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या हुआ, x से x देखो एक सीधे कैंसिल हो गया, एक x बचा रहा, उसको अलग अलग किया तो 2 माइनस 1 बाई एक्स, फिर जब x को इन्फिनिटी लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, e की पावर 2, देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी से इसको,